तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक क्यूब है और उसको ये एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई नॉट एक्स आई कैप है, ठीक है। और यहाँ पर जो ई नॉट की वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है इक्वल टू 4×10^4 दिया हुआ है यहाँ पर देखो। और ए की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 0.02 मीटर आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालना है, द चार्ज इन द क्यूब इज दिस वैल्यू, देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको इतना लेना है, ध्यान रखना सब कुछ एसआई यूनिट में ऊपर दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या होना होगा कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स निकाल लेना होगा। तो ऑब्वियसली देखो जो फील्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस में है, तो ये जो टॉप वाला सरफेस है इससे और जो सामने वाले सरफेस है इससे, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जो फ्लक्स बनेगा और वो बेसिकली ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक्स की वैल्यू सारी जीरो है, तो इसके लिए भी फील्ड लाइनें जीरो होंगी और इससे भी फ्लक्स जीरो बनेगा। बट ये जो सरफेस है इससे फ्लक्स जीरो नहीं होगा, तो अंदर में कुछ चार्ज होगा जिससे फील्ड लाइनें पास कर रही होंगी। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने जाऊँ तो इससे, तो इस वाले से तो फ्लक्स जीरो बनेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है तो फील्ड यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो जो टोटल फ्लक्स फाई एसोसिएटेड है, फाई इज इक्वल टू वो आ जाएगा ई ए कॉस जीरो। तो ई ए कॉस जीरो मतलब ई और एरिया, तो ई की जो वैल्यू है वो भाई यहाँ से देखोगे तो ये जो है फ्लक्स ई ए, अभी मतलब बाद में हम रखेंगे, तो चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स के इक्वल होता है भाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये गॉस थ्योरम से है। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज इन साइड जो आ जाएगा वो फ्लक्स और एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स है ई ए एप्सिलॉन नॉट एरिया, इसका एरिया आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालो तो ई नॉट एक्स और यहाँ से ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो एक्स इज इक्वल टू ए है इस सरफेस के लिए जो सामने वाला सरफेस है, तो यहाँ से आ जाएगा ई नॉट ए की पावर क्यू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड। तो इतना कूलाम जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी एक्सप्रेशन में गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर देना है तो हमें फाइनल सोल्यूशन दिखने लगेगा। तो अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करता हूँ तो देखो मुझे कितना सोल्यूशन दिखता है। तो चार्ज इनक्लोज्ड अपन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू आपको लेना है यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4×10^4 और मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लेना है 9×10^-12 और साइड क्यूब है मतलब 2³ और सेंटीमीटर में है, तो 10^-2³। तो ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 288×10^-14, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से इससे कंपेयर कर दोगे जो दिया हुआ था क्यू इनक्लोज अपान यहाँ से एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10^-14, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है 288 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो खाली जगह था वो 288 भरते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।